सो ही गाइज, वेलकम बैक इन माइनक्राफ्ट। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम स्लाइम फार्म बनाएंगे। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, गला बैठ चुका है मेरा, ठीक है। और कार्तिक वहाँ पर है ही सही, क्या कर रहा है तू वहाँ? कुछ नहीं। सो गाइज, यहाँ पर मेरे जो सर्वर है, सॉरी हमारा जो वाईफाई है, सेम वाईफाई हम दोनों का, तो उसके जो लेटेंसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा आपको डिले फेस होएगा, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। पर अभी बात कर रहे हैं हम किस, अरे अरे अरे, ये नहीं खोदना था, ये नहीं खोदना था, ठीक है। सो गाइस, एक वेबसाइट है, क्या नाम था उसका, चंक बेस, हाँ चंक बेस है, उस पर से आप अपना स्लाइम चंक ढूंढ सकते हो। सो हमने भी हमारा स्लाइम चंक ढूंढा जो कि हमारे घर के एग्जैक्ट जस्ट यहाँ पर ही है। तो ये जो चार ब्लॉक आप देख रहे हो, ये वाला नहीं है, इसको हटाओ। तो ये जो आप देख सकते हो, एक ये वाला ब्लॉक, एक वो और एक ये, तो इनके जो बीच वाला जो एरिया है ये हमारा स्लाइम चंक है। सो ये बस भाई मत कर, अब इतना ही बहुत है, बस बस बहुत है। सो अभी हमको इसमें ही बनाना है जो भी। और अगर आपको देखना है कि ये चंक कैसे है, तो F3+G दबाते हो तो ये देख सकते हो, यहाँ पर ये इसका कॉर्नर है और ये भी इसका कॉर्नर है और ये भी इसका कॉर्नर है और ये भी इसका कॉर्नर है। तो ये है कुल मिला के हमारा चंक पूरा, और इसके नीचे हमको खुदाई करनी है। सो ये हम करेंगे कल सुबह। सो अभी सो जाते हैं चल के, चल सो जा, या तो तेरे पास हो बेड तो यहीं सो जा। सो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर अपना सीट ले लेना है, सीट लेके आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर पेस्ट कर देना उस वेबसाइट पर जाके, तो आपको अपना चंक मिल जाएगा स्लाइम फार्म का, हो गया। तो अब थोड़े बहुत टूल इकट्ठा मारते हैं, फिर उसके बाद देखते करते। अरे अपन को वो भी तो बनाना पड़ेगा, लैडर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, और अब हमको क्या करना है, पहले तो F3 दबाते हैं और देखते हैं कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है। सो अभी ये 72 है। हाँ, तू भी इसी पर चढ़ जा, आ जा आ जा, चढ़ जा। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर वाई, 2 मिनट रुक जा यार, हमको यहाँ पर Y40 के भी नीचे जाना है तभी, क्योंकि 40 के नीचे ही स्लाइम स्पॉन होते हैं और वो भी उजाले में स्पॉन होते हैं ऑब्वियसली। सो हमको नीचे जाना पड़ेगा, और यही है हमारा चंक, एक ही चंक है। सो आई थिंक बहुत होगा, तो हमको Y40 के भी नीचे जाना है। सो मैं यहाँ से जाऊँगा, और मेरे को वो दे दे यार भाई, लैडर दे दे, ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ वापस लगा के। दे रहा जंप, ठीक। अपन को 1-2 दिन लग जाएंगे खोदने में। सो Y40 में आ गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा नीचे और चले ही जाते, क्या दिक्कत है। तो Y40 के नीचे ही स्पॉन होते हैं वैसे भी, और यहाँ पर। सो मैं आ गया हूँ Y30 तक, इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Y30 तक ले लेते। ओके Y30, तो यहाँ पर हमारा पूरा स्लाइम फार्म बनेगा। और 1 मिनट में जरा लैडर लगा दूँ, ताकि ये महान भी आ पाए। आ गया, हो आ गया, आ गया। कहाँ है तू भाई? भाई अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी रात हो गई। अभी तो सोए, चला जा, सो जा, सो जा, चला जा। मैं, अरे मैं तो सो जाऊंगा, तू सो जा। लैडर लग गई है, सो अब हम नीचे जा सकते हैं और एक बार चंक देख ले। मैं सोच रहा हूँ भाई, सुन, इनके कोऑर्डिनेट मैं सोच रहा हूँ नोट कर लू कहीं पे, क्या बोलता है? ये यार, ये चीज भाई, मतलब रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ। अपने वर्ल्ड में ही रहेंगे भाई ये सब। सुन, तू जब अंदर जाएगा नीचे, तो खोदेगा, खोदेगा कैसे, और तेरे को कहाँ तक का खोदना है ये तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे ये बता। नहीं पता, अपन ने F3+G कर रखा है ना, F3+G करा हुआ है, पर अपन को चंक थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, अंदर इतने सारे ब्लॉक है, खोदना तो पड़ेगा। हाँ सही है। तो 1 मिनट मेरे को जरा इनके चंक नोट कर लेने दे, सॉरी इनके वो कोऑर्डिनेट 463 751, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये, दूसरा वाला मेरे को देखने दो, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक एक ये वाला है 463 736, क्या है इसका, ये वाले का 448 और 736। हो गया भाई, हो गया, हो गया। खोदना शुरू तो कर लिया मैंने तो।
भाई अपने साइड में किए हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। रुक 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 जा, 448 तक खोद सामने। अरे यहाँ नहीं भाई, ये तो उल्टा खोदा। तू इधर की साइड खोद, मैं इधर की साइड खोदता हूँ। तो उधर ठीक है, तो अगर तू उधर जा रहा है, सुन सुन सुन, तू उधर जा रहा है अगर, तो तू रुक जाएगा 463 और 751 पे, ठीक है? भाई मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, मैंने F3+G ऑन करके रखा है, मेरे को दिख जाएगा। चल ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से खोदता हूँ, तो मेरे को 448 पे रुकना है। बाप रे, माइन आ गई, फक माइन आ गई भाई, ये तो माइन शाफ्ट है। नाइस, अपने लिए खोदना इजी हो गया ना अब। खत्म भाई खत्म। अरे इजी वीजी ठीक है, ब्लॉक लगाने पड़ेंगे अपन को, ब्लॉक लगेंगे यार बहुत सारे। खत्म, खोद भी जाएंगे भाई अपन बहुत सारे। वैसे तो ब्लॉक लगने वाले हैं बहुत भयंकर। टॉर्च लाया है तू? अरे बहुत सारी है, पूरा मेरे को दे यार, आदर्श रखे। मेरे को दे यार टॉर्च। टॉर्च नहीं है मेरे पे। ठीक है, तो ये यहाँ से मुझे खोदना है, यहाँ से अपन आए थे ना, हाँ यहीं से है। 448 तक खोदना है मुझे यहाँ पर, 448 और क्या पर 736, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सही है। सेवन थर्टी सिक्स ये रहा, आ गया। भाई नीचे क्रीपर वीपर पता नहीं क्या क्या है भाई। भाई हाँ ये तो सही, मेरे को भी आवाज आ रही है। तू आराम से खो दियो, आ गया मैं 736 तक, बस इतना ही खोदना है। तूने तूने ज्यादा तो नहीं खोद दिया ना? सही खुदा है, अपने चंक में ही खुदा है केवल मैंने। 448 और 736 ठीक है। और अगर मैं इधर का खोदूं, इधर का अगर मैं देखूं, तो तूने 463 पे तो रुक जाएगा, 463 और 751 परफेक्ट। और अगर अब मैं इधर देखूं, तो ये होना चाहिए 433 और 736 परफेक्ट भाई, परफेक्ट खोदा है, मान गए। बाप रे ये क्या कर रहे, इधर क्रीपर है भाई, इसको बंद कर क्रीपर दो। नहीं भाई, बहुत कुछ है, पूरा बंद कर देना है क्या इसको, हाँ ये हाँ नीचे नीचे हाँ से, हाँ 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 बिल्कुल सही और है, इसके ऊपर ही खोदना है अपन को। हाँ इसके ऊपर ही सब अपन को कारस्तानी करनी है। तो भैया नीचे स्लाइम स्पॉन नहीं होगी, ऊपर होगी ऐसा। हाँ भाई ऊपर के बेस पे ही होगी वो। इसको तू कितना खोदेगा यहाँ से? दो दो ब्लॉक ऊपर खोद दे भाई, मतलब कुल मिला के चार ब्लॉक, ठीक है? चार ब्लॉक इन टोटल, ठीक है ना? सबसे पहले तो क्राफ्टिंग टेबल लगा दे बीच में, क्राफ्टिंग ये ले, मैंने यहाँ चेस्ट लगा दिया भाई। दोनों एक साथ। स्टिक नहीं है मेरे पास, स्टिक दे तू। मेरे मेरे पास को वो है ना, बोर्ड लाया हूँ मैं बहुत सारी।
देख, पहले हो गया। पहले एक बार चेक कर कि ये दो ब्लॉक है कि नहीं, मतलब चार, 1 2 3 4। ओके ठीक है। अब यहाँ पर कहीं और आयरन बुरन तो नहीं है ना? पहले इसमें से ये जो है ना, जितना भी ये कोबलस्टोन, इसको निकाल और इसको अपन फेंक के आते हैं पहले। मेरी सॉर्ड देख के डर जाएगा तेरी तू भाई। हाइट डर्ट देख रखने के की भी जगह नहीं है। किधर किधर रखना है भाई ये सब? सुन पता नहीं। भाई, ये ब्लॉक है ना, फेंकना मत, क्योंकि अपने काम आए। ठीक है, फेंकना मत, लावा वगैरह मत फेंकना। गधा वही कर रहा है, रुक। ना, अरे नहीं, गधा वही कर रहा है। मैं कचरा फेंक रहा हूँ। क्या कचरा फेंक रहा है भाई, दिखा तो। मैंने इधर देख भाई, वो नहीं फेंकते ये गधे। भाई तूने सारे ब्लॉक फेंक दिए। भाई गधा वही कर रहा है, हालत खराब हो गई। ऐसा बस कर भाई, बात ऐसा। ओ भाई, एक काम मैंने कर, क्या करा? सुन, अब टॉर्च ले, टॉर्च लेते हैं, बहुत सारी टॉर्च बनानी पड़ेगी, एक स्टैक पूरा। एक स्टैक टॉर्च बन, मैं ही ठीक है, बना दूंगा, अकेले ही बना। एक स्टैक ले टॉर्च का लेगा क्या है? पूरा। मैं जब तक नीचे का सही करता हूँ थोड़ा मामला पानी। रुक गया, रुक, अब देख, अपन को एक और काम करना है, सुन मेरी बात, अपन को इधर एक और, जॉम्बी है, पहले सुन, इसको मार के आते, नहीं पहले नहीं इधर अरे जॉम्बी। नहीं, वो सब ठीक है, अपन को एक और काम करना है, सुन। पहले तो अब ये जो है, ये जो ये अपनी सारी वॉल है, हटाना है। नहीं, अरे नहीं, ये टॉर्च लगा, 2 मिनट अभी लगे रहने दे, तो वहां भी लगा दे, वहां भी लगा दे, इधर पे, हाँ इधर में लगा, ठीक है, लग गया। अब एक काम कर, ये जो वॉल है ना यहाँ पर, अपन को यहाँ से दो दो ब्लॉक और खोदना है, समझा? दो ब्लॉक और खोदना है क्यों? हाँ, हर डायरेक्शन में, बस और कुछ नहीं। वो मेरे को नहीं पता क्यों खोदना है, बस खोदना है, दो दो डायरेक्शन, डायरेक्शन में दो दो ब्लॉक। हर डायरेक्शन में 2 ब्लॉक खोदना है और कुछ नहीं। हो गया ना? अच्छा, इधर से और बाकी ये और बात चल। एक बार आप जस्ट चेक कर ले, सब हो गया भाई। दो दो ब्लॉक इधर से, 2 ब्लॉक इधर से, 2 ब्लॉक इधर और से, स्टेयर वाली जगह, सीढ़ी वाली। ये रही इधर है। अब एक अच्छा काम ठीक कर, है, इनको हटा, किनको? ये कॉबल स्टोन, टॉर्च लेके अब एक, सबसे पहले तो हर कोने में ऐसे डाल दे, ऐसे करके, ऐसे। इस कोने में भी है, उस हाँ, कोने में नहीं है। इधर इधर ये हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया। अब ये जो ये टॉर्च है कोने वाली, यहाँ से तीन तीन ब्लॉक छोड़ के लगाते जा, 1 2 3, चौथे पे लगेगा। सो गाइस, अब हम वेट कर सकते हैं कि मतलब स्पॉन होंगे कि नहीं होंगे, और जहाँ तक उम्मीद है होने तो चाहिए, पर सब किस्मत पे, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएंगे। वैसे तो स्लाइम का पता है, यही सबसे मेन जो बोलते हैं डिसएडवांटेज, कि ये आसानी से मिलते नहीं, और अपन के स्वम्प बायोम अभी तक मिली नहीं है एक्चुअली, इसीलिए वो मेन दिक्कत है अपने लिए। मतलब वो गंदी वाली, कीचड़ वाली। वहां पर रात के टाइम पे आते हैं, वो भी शायद से जब फुल मून होता है तब। मैं सोच रहा हूँ अब इसको बंद कर दूँ,
भाई ये क्या रख रखा है यहाँ, इसको बंद कर दें। ये जो है क्या बोलते हैं ये अपना शुगर केन फार्म, ये पगला जा रहा है फालतू, क्या बोलता है? फोन देना, क्या जा रहा है उसमें, फोन दे उसको, कुछ नहीं हो रहा है। अभी भाई अपने पास कितने दो रो तो पूरी की पूरी फुल हो गई है, जब भी अपन को नीड पड़ेगी अपन सुन सुन, उसको वापस अब एक्टिवेट मेरे पास करेंगे। है कि मस्त आइडिया है क्या, बोल। अपन ना अब विलेजर वाला काम करते हैं, विलेजर सारे करते हैं वही तो मैं बोल रहा था तो एक और ओके उनसे स्लाइम ट्रेडिंग फार्म करते के हैं। पहले वही कि वही करते हैं अपन, पन्नी हमको उस पे स्लाइम फार्म बनाना है। तो चल वही करते हैं। अभी थोड़ी ना करेंगे, अभी तो एक वीडियो हो गई, एक वीडियो निकल गई, अब तो हाँ तो अपन अगली वीडियो का भी कंटेंट अभी निकाल लेते हैं। अभी तो 2 मिनट रुक, पहले तो ये मेरे को रेडस्टोन यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। भाई किधर है रेडस्टोन स्टोन देखने गया तू? ये वाली शुगर केन फार्म की मशीन तो भाई रेड स्टोन तोड़ने की क्या जरूरत है, पॉज कर दे उसको। नहीं, ऐसे पॉज नहीं होता है। सो गाइस ये अभी मैंने इसका क्या बोलते हैं फ्यूज ऑफ कर दिया है, तो अभी शुगर केन फार्म ऑफ हो चुका है, ये अब काम नहीं करेगा। माइन कार्ड भी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया इधर का। अगर इन फ्यूचर हमको नीड होती है तो हम इसको वापस से एक्टिवेट कर देंगे, सिंपल। आज की वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और देखते हैं कि इसमें स्पॉन होते हैं कि नहीं हमारे स्लाइम फार्म में स्लाइम। मिलते हैं हम आपको एक अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। And I need all of you to stop what you're doing and listen.